चार साल पहले हुई हनुमान टेकरी पर चोरी का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम को टेकरी सरकार के ट्रस्टियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनको 51,000 रुपये का चेक भेंट किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के लोग एवं पत्रकार लोग भी उपस्थित रहे। जैसे ही इस मामले को नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पत्रकारों द्वारा अवगत कराया गया तो उन्होंने तत्परता से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए और पुलिस अधीक्षक ने तत्परता से इस मामले को जल्दी सुलझाया। और वही टेकरी सरकार ट्रस्ट द्वारा जो घोषणा की गई थी चोरों को पकड़ने की, उसके हकदार ये कामयाब पुलिस टीम बनी और आज ट्रस्ट द्वारा उनको सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक को 51,000 रुपये का चेक दिया गया। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी उपस्थित रहे, जिन्होंने एसपी संजय कुमार सिन्हा से एवं राजेश अग्रवाल जी से बातचीत की। विभाग के मुखिया संजय कुमार सिन्हा साहब मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आज इस तरह से पुलिस को सम्मानित किया गया है, इस तरह के अवसर किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, तो बहुत बड़ी बात है गुना के लिए कि आप जो सामाजिक धार्मिक और जो यहाँ के लोग हैं वो वाकई में अपने वचनों पे काम करते हैं उसके लिए, क्योंकि 4 साल पहले मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि अगर वस्तुतः ये घोषणा इसलिए की जाती है कि एक मोटिवेशन पुलिस को मिले कि इनाम दी जाएगी और एक रिकॉग्निशन मिलेगा, और आप 4 साल बाद भी और उसके बाद घटना को मिलने के बाद राजेश अग्रवाल जी के द्वारा सतत लगे रहना कि हमको ये कार्यक्रम करके सम्मानित करना है, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ की जनता कितने अच्छे कार्यों के प्रति समर्पित है और उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको सम्मानित भी करती है। कितना मनोबल बढ़ेगा पुलिस बल का इससे? नेचुरली बढ़ेगा इससे, सम्मान से तो सभी का, लेकिन उसके साथ साथ दायित्व का भी और अधिक दायित्व का भी बोध महसूस होने लगता है। जी धन्यवाद। मनोबल बढ़ेगा और दायित्व का भी बोध होता है। राजेश जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास आपने किया है, और क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम के पीछे? कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य एकमात्र यही था कि हमारे द्वारा जो घोषणा की थी उसका हमें पालन करना था, और निश्चित तौर पर एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होता है, निश्चित प्रशासन और जनता के बीच में एक बहुत अच्छा सामंजस्य से बनता है और आपसी विश्वास पड़ता है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई काम अच्छा हुआ है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मैं तो हर संस्था से अपील करता हूँ कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो सबको आगे आकर इस तरह की घोषणाएं भी करनी चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर प्रशासन का मनोबल बढ़े। पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत करता है, आए दिन हमने अभी भी मैंने कहा कि हम चैन छोटे तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका है, नहीं तो निश्चित तौर पर दिन दहाड़े लूटपाट होने में कसर नहीं गई। बिल्कुल सही बात है, आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं तो ये पुलिस की बदौलत है, और पुलिस का इस तरह से हम जो प्रोत्साहन कर रहे हैं ये हमारे लिए और भी आने वाले दिनों में लाभप्रद होगा। गुना शहर की ये तासीर है कि यहाँ पर जब भी कोई सामाजिक संस्था हो, निजी तौर पर कार्य किया गया हो, विभागीय तौर पर कार्य किया गया हो, अगर कोई अच्छा काम होता है तो शहर के लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, और उसी तरह से आपने भी ये काम किया है, आगे किस तरह से जारी रखेंगे? बिल्कुल, प्रभु करे कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, लेकिन रोकना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये है कि इस तरह के अगर पुलिस प्रशासन चुस्त दुस्त रहेगा तो घटनाएं होंगी ही ना। मैं आपको इस बात से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितनी चुस्त दुरुस्त आज की तारीख में पुलिस प्रशासन है, अगर इतना चुस्त दुरुस्त प्रशासन रहता है तो निश्चित तौर पर घटनाओं पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल, इस तरह अगर पुलिस प्रशासन चुस्त रहेगा तो इस तरह की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा, और ये इस तरह के आयोजन जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की उस चुस्ती और दुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं किए जाते हैं, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। शहर में इस तरह के लोग जो कि सामाजिक सरोकार रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी संगठन के माध्यम से भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे इस तरह की सराहना करेंगे तो इन प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, सम्मान का ये अवसर, और सम्मानित हुए वे लोग जिन्होंने इस वारदात को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से एक हैं कोतवाली के टीआई अनूप भार्गव जी,
भार्गव साहब कितना चैलेंजिंग था ये पूरा मैटर? सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का जब आगमन हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने पुरानी डायरियां देखी और जो लंबित मामले थे और जिसमें एक टेकरी सरकार का जो मामला था उन्होंने उसे चिन्हित किया था कि इसको निकालना है। इस पर टीम वर्क किया गया, उनके द्वारा सतत निर्देशन दिया गया और फीडबैक समय समय पर लिया गया और जब जब चाहे जहाँ राय है उस कदम पे बढ़ते गए और टेकरी सरकार ने स्वयं ही एक ऐसा हमारे समक्ष साक्ष्य रख दिया जिससे कि हमें सफलता मिली। ये सबसे बड़ी बात है, इस तरह के कोई भी चैलेंजिंग अगर आते हैं सामने तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और भगवान जरूर फिर उसमें पार लगा देते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सम्मानित होने के बाद? स्वाभाविक बात है, यदि पुलिस कार्य करें और उसको सम्मान प्राप्त तो सुखद लगता है। टीआई कैंट राजौरिया दिलीप राजौरिया जी भी हैं और इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस केस को ट्रेस करने में निभाई थी, तो किस तरह से पहुंचे इस की कामयाबी तक? इसमें मुखबिर सूचना मिली थी, इसमें टीम ने बहुत सक्रिय काम किया है और अथेंटिक हमारे पास कुछ नाम आ गए थे, जब उन नाम को उठाया तो उनसे जब सख्ती से पूछताछ की तो हमारे पास रिजल्ट अच्छे थे और बस फिर ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता गया, रिकवरी पूरी हमने कर ली है। अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन में है प्रकरण और आगे भी कुछ और इसमें एक अन्य जो है आरोपी है उसकी भी तलाश है, हमें हम जो भी जल्दी जल्दी रिकवर कर लें। आज आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके खासकर मुखिया जो है पुलिस अधीक्षक उनको सम्मानित किया गया है, तो क्या कहेंगे इस वक्त? जी ये सबसे पहले तो मैं टेकरी सरकार जो की कमेटी है इनके धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस तरीके से हम लोगों को सराहा और इससे हमारी एनर्जी और पुष्ट हुई और हम डबल एनर्जी से हम काम करने की सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का और टेकरी सरकार टीम का और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम और भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, तो इस तरह की जो परंपरा है सम्मान की उस वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी बनती है और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ टेकरी गुना। न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।